जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त हैं। तो मेरी चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो भी ब्लॉग्स हैं उसको अंत तक देखिए, क्योंकि मैं जो फैमिली जो हम लोग का जो फैमिली है उसमें यही ब्लॉग बनाती हूँ। हम लोग कितना मस्ती करते हैं, फनी फनी ब्लॉग्स बनाती हूँ, कॉमेडी भी रहता है। तो गाइस अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको मेरी मायके लेके जाने वाली हूँ, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। दादाजी बोलो जी, पूरा बिजी है? हाँ। क्या कर रहे हो? मुर्गी सिल रहा हूँ, देखो। हाँ देख रही हो तो देखा? हाँ। एक घर का है, एक घर का है, दिखाया था ना एक दिन। हाँ। एक घर का गाइस है, मेरी मायके वाला वो जो मुर्गी दिखाई थी ना मैं आपको, वही वाला है। 2 kg 100। तो आज भी मैं मायके ही तो आई हूँ, तो उस दिन 1 kg 900 था, अभी 2 kg 100। 2 kg 100 हो गया। हाँ। ओके देखो पापा क्या करते हैं। थोड़ा ऊंचा करके दिखाओ, ये देखो। और देखो गाइस पूरा एकदम क्लीन हो रहा है इसका। क्या खाता तुम बोला? मुंह में क्या छुपाया? कुछ छुपाया, गिर गया। आज मम्मी जी को देखते हैं क्या करी है मम्मी जी। क्या कर रही हो मम्मी? मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। मिर्ची पेस्ट कर रही हो? सादा जी तुमको काटना नहीं आता? नहीं आता। फिर से पापा को दे दियो काटने के लिए? काटो ना, तुम काटो। तुमको नहीं आता ना? हाँ दीप से काट दे। तुमको काटना नहीं आता, खाना आता है। देखा गाई था दादी को मुर्गी काटना नहीं आता। तो गाई से देखिए वो जो पापा जी जो बोला, ठीक है तुम तो थोड़ा सीख लो अभी। तो पापा जी थोड़ा सरदार जी को दिखा दिया है कैसे कैसे करना है, तो सरदार जी अभी उसको काट रहा है। सरदार जी आ रहा है कि काटना नहीं? सीख रहा हूँ। हाँ काट पाओगे? हाँ कर लूंगा। ठीक है गाइस, फिर जब इसका कटा हो जाएगा ना कटिंग, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा जो सरदार जी है क्या पीस करते हैं, ठीक है? तो गाइस ये देखिए सरदार जी बहुत अच्छे से चिकन काटा है, तो आगे भी काट बढ़िया ही काटेगा। तो फाइनली सरदार जी सीख गया है चिकन काटना। मम्मी तो पापा तो सिखा के दिया है करके सीख पाया है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखिए गाइस दोनों की दोस्ती। ये जो पहले वाला क्या था? मिर्ची का पेस्ट। अरे उसमें अदरक लहसुन जीरा गोलमरीच का पेस्ट और अभी तेल डालेगा। हाँ ये गया मस्टर्ड ऑयल। तो आज इसको ना गाइस अभी मैरिनेट करेगा, पहले एक साथ ऐसे मिला के देने से ना चिकन में बढ़िया से उसके अंदर तक जाता है ना मसाला नमक, तो इसे बढ़िया से मतलब टेस्ट होता है वो। तो गाइस इधर देखिए जो पापा जी और मम्मी लोग का पूरा मीटिंग चल रहा है, और सरदार जी क्या जांच है क्या उधर ऊपर बैठा है? हाँ तुम जांच करोगे, दामाद जी है इसलिए दी ऊपर आके ससुराल के ऊपर बैठ गया, इधर आके बैठो। अभी ना मैं थोड़ा बदमाशी करूंगी गाइस। ये छोटा वाला लूंगी मैं, छोटा वाला, ये छोटा बच्चा है। देखो इसको भी लेके चलो। किसको? इसको नहीं, एक को लेके नहीं, एक ही चलो, मजा करेंगे इसके साथ, ठीक है? नाम क्या है इसका? इसका नाम पूछी है। पूछी है? ये देखो कितना शांत बच्चा है। इसका मम्मी का नाम? उसका मम्मी है, इसका मम्मी का नाम है झिमली। झिमली झिमली है, वो सो गई एकदम। वो इतना शांत है। हाँ वो मेरे को पहचानती है। हाँ ये देखो
तुम्हारा गोद में जाएगा, तुम्हारा गोद में जाएगी ना वो, तो चिल्लाएगी पूछी 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 है कितना सुंदर है देखिए गाइस, जिसका गोद में जा रहा है सो रहा है। मत ए लो मां लाती होते साला मत ये सारे नाड़े नाड़े आलो बेजी किसी की सीरियल, क्या सीरियल है ये? जैज सनालाल, जैज सनालाल, जैज सनालाल, ओ जगधात्री, जगधात्री मोचा मां की बोलते ना साथ में एक तो गाइस देखा आप लोगों ने कैसे पापा जी सीरियल का मजा लेते हैं। आप लोग भी अंदर घुस जाता है पूरा, वो जो पूरा सीन है ना उसके पूरा कैरेक्टर में आ जाते हैं पापा एकदम। तो गाइस आप लोग भी बताना आपके घर में अगर इस तरह कोई करते हैं तो क्या कर रहे हो? अकेला अकेला चिकन फ्राई हो गया तो टेस्ट कर रही हूं। दिखाओ पूरा गर्म है, तुम अभी नहीं खा पाओगे, पहले मैं खा के टेस्ट करती हूँ ठीक है? पहले तुम खा के खत्म कर दो फिर हम खाऊंगा ठीक है? नहीं तो ठीक है तो ठंडा हो जाएगा ना तब तक। तब तक तुम खाते रहोगे। देखो गाइस मेरे को नहीं दे रहा है, अकेला अकेला खा रहा है। पापा जी को दो कैसा हुआ? बोला नहीं कुछ, बढ़िया ना? बढ़िया लगता है। मम्मी जी बढ़िया बनाता है ना? ये वाला मेरी है चिकन। मेरी है आपका लोग मेरा हड्डी। हाँ हड्डी खाता नहीं खाता हड्डी। कैसा हुआ पापा जी, कैसा हुआ? ओ कैसा हुआ बोला? अच्छा लगता, अच्छा लगता, अच्छा लगता। तो गाइस आप एकदम बढ़िया, पापा बोला ना कि बढ़िया है तो बढ़िया है, क्योंकि घर में टेस्ट करने वाला पापा नंबर वन है। तो खाना पकाता है ना? हाँ पूरा एकदम भूख है पापा जी। भंडारी अच्छा है, भंडारी है। कोलकाता में कहाँ पकाता था? कहाँ पकाता था कोलकाता में? कहाँ खाना जो कुक करता था? कौन से कोलकाता में, कौन से जगह पे? बजबज। तो गाइस वो पापा जी है ना कोलकाता में ऐसे 200-300 आदमी का खाना पका देते हैं। 500 आदमी का खाना बनाता है। ओ सारे मेरी गलती हो गई। सर जी ससुराल आके पूरा एकदम राजा बन गया है ठीक है, महाराज ठीक है गाइस, देख लियो ना आप लोग। अरे पापा जी को देखिए एक्सरसाइज कर रहा है पापा जी, कमर में पैर में दर्द है ना तो एक्सरसाइज करता है सुबह शाम। और मम्मी लोग क्या करती है ये देखिए, मम्मी बैठी है, मम्मी जी भी थोड़ा रेस्ट ले, पूरा दोनों एकदम आके काम। चिकन कैसा बना बोलो? अच्छा लगता, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो दामाद जी और हाँ नहीं अच्छा हुआ। ओ, नहीं मिला बेबी तुमको, तुम लास्ट हो। पापा जी कैसे हुआ? बढ़िया 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 बढ़िया। तो गाइस सब लोग का एक ही राय है कि चिकन ठीक ठाक हुआ, बढ़िया हुआ, तो मैं भी खा के देखती हूँ। तो गाइस मेरी ये ब्लॉग सबको अच्छा लगे, आई होप अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि हम लोग देखे आप लोग कितनी मस्ती की हम लोग ने मिलके, और ना सब मेरे फैमिली में उतना सारा सब लोग एकदम कॉमेडी कॉमेडी टाइप से। तो गाइस अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ठीक है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, ऐसे फैमिली मस्ती फन, तो आप लोग भी मस्ती कीजिए और अपना ख्याल रखिए, सबको भी ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं, तो जय हिंद गाइज़।